कल एमआईएम ने धरना आंदोलन किया यहाँ पर और कुछ सीधा आरोप लगाया एनसीपी पे कि यहाँ की स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पूरा लेके गई और आपने शिवसेना को ब्लैकमेल किया। राष्ट्रवादी ऐसा आरोप है ये एमआईएम की धांधली है सर, इनके पास कुछ काम बचा नहीं है। ये जो निर्णय जो इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का, ये भाजपा की सरकार जब थी जब से ये निर्णय हुआ है और ये सब शहर जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि एमआईएम और भाजपा की साठगांठ है। और राष्ट्रवादी भी ये जो आरोप लगा रही है सरासर गलत है, इनको कुछ काम बचा नहीं है। अभी तो राष्ट्रवादी के जिनके नेतृत्व में एमआईएम के लोग जिनके नेतृत्व में परसों जो धरना आंदोलन किए वो जो एम के जनता जरूर साहब खान था, उनका ऑफिस में तो अवतार की जगह पे है, पूरा शहर जानता है ना। राष्ट्रवादी के राष्ट्रवादी के इसका विरोध करेंगे अगर यूनिवर्सिटी पुणे स्थापित करने का जो प्रोग्राम है आघाड़ी सरकार का, राष्ट्रवादी इसके लिए रोड पर उतरेगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, फिर भी जनता के हित में कुछ होता है। हम ये चाहते हैं कि ये इंटरनेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी औरंगाबाद शहर में रहना चाहिए, लेकिन अगर जनता के हित में अगर हमको रास्ते में उतरना पड़े तो बिल्कुल इंशाल्लाह हम उतरेंगे। आघाड़ी सरकार के खिलाफ आप रास्ते पर उतरेंगे? उतरेंगे जनता के हित के लिए, अभी तो सब चल रहा है, लेकिन हम लोग आज या कल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे जो वरिष्ठ नेता है हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर छाती की तरफ से हम आपको एक निवेदन देने वाले हैं। ये जो इंटरनेशनल स्कूल यूनिवर्सिटी है इस औरंगाबाद शहर में मराठवाड़े की राजधानी है और उसके बाद अगर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी शहर में रहते हैं तो शहर का भी विकास होगा, मराठवाड़ा का भी विकास होगा और आगे चाहेंगे राष्ट्रवादी के हम चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी यहीं पे रह जाए। इसलिए हम लोग हमारे जो हाईकमांड है, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पटेल साहब, अजीत दादा धनंजय मुंडे साहब और बड़े साहब आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब, तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर शाखा की तरफ से निवेदन देंगे। 115 महानगर पालिका जैसा कि अभी वरिष्ठ के संकेत तो ऐसे है कि आगामी महानगर पालिका जो निवडणूक है महानगर निगम की, ये हम लोग महाविकास आघाड़ी में लड़ने वाले हैं ऐसे वरिष्ठों को संकेत है। अगर कुछ होता है जैसा कि चल रहा है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं हमारा चल रहा है, तो हमारी 115 जगहों पर लड़ने की पूरी तैयारी है। 80-85% हमारे बूथ रचना हुई है राष्ट्रवादी कांग्रेस में, अगर महाविकास आघाड़ी में लड़ते हैं तो फिर जो जो फार्मूला है शिवसेना राष्ट्रवादी और कांग्रेस का उस हिसाब से आप हमारी जगह लड़ाएंगे। हमारे हमको ऐसा लगता है कि 35 जगहों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगर पालिका इलेक्शन लड़ाएगी और जैसा कि अभी वातावरण आप लोग देख रहे हैं, आपके माध्यम से मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत शहर में भी बढ़ रही है। ये दिन एमआईएम भाजपा और छोटे मोटे जो पार्टियाँ हैं, इनके संगठन हैं, इनके कार्यकर्ते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवेश कर रहे हैं। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में उस शहर की जनता को विश्वास है, इसीलिए इतने नौजवान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले महानगर पालिका निवडणुक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 अंकों में हमारे नगरसों में रहेंगे। या फिर वहाँ पर किसका आघाड़ी में किसका बनेगा? ये फार्मूला तो वरिष्ठों का है ना, वरिष्ठ जो निर्णय देंगे उस शहर में उसका अमेंडमेंट करेंगे। और एक तरफ एमआईएम बोलती है कि महापौर तो हम ही बनाने वाले हैं। नहीं बन सकता, बोलने से क्या होता, वो तो कुछ भी बोलते। मैं तो बोलूँगा कि एमआईएम का भी कुछ काम बचा नहीं है, एमआईएम के पैरों के नीचे की जमीन सरक रही है। एमआईएम का ऐसा है कि एमआईएम जैसे लोग भी देख रहे हैं कि एमआईएम के सैकड़ों कार्यकर्ते, सैकड़ों नहीं हजारों के तादाद में कार्यकर्ते राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं और राष्ट्रवादी एमआईएम भी बौखला गई है। उनका एक खासदार है, 25 नगर सेवक थे, जब आमदार थे इंदिरा जलील साहब, जब वो अगर महापौर नहीं बना सके तो आप क्या बनाएंगे, आप बचाए क्या? हम तो चाहेंगे आने वाले इंशाल्लाह कुछ आने वाले कुछ दिनों में
एमआईएम का इस शहर में से सुपड़ा हम साफ कर देंगे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एमआईएम को आह्वान। इसको यूनिवर्सिटी पुणे ले जाने में किसका फायदा है ये बताओ, पुणे लेके जाने के लिए किसका, राष्ट्रवादी का क्या फायदा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, हमारे जो कमांड आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का इस औरंगाबाद शहर के विशेष प्रेम है। अजीत दादा का है, धनंजय मुंडे साहब मराठवाड़े के नेता हैं, इनका सबका प्रेम औरंगाबाद शहर पे, और ये किस कारण औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे। अब मैं तो यह कहूँगा फिर एमआईएम के जो खासदार साहब है उनका बंगला घर है पुणे में, हो सकता है उनका भी हाथ हो सकता है उसमें कि वो यूनिवर्सिटी पुणे में जाए, ऐसा भी हो सकता है।